तो आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे BTC काफी लंबे टाइम से यहाँ पे रेड टू रेड मार्केट में करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो आज अगर ये लंबे समय से जीता हुआ आ रहा है तो लंबे समय के चार्ट के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट का सिचुएशन क्या हो सकता है, क्या हमने जो अभी तक लॉस किया है कवर होने की उम्मीदें हैं कि और भी लॉस हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। तो वीडियो को पूरा वॉच करना विदाउट स्किप करें, क्योंकि यहां पे अगर आपने स्किप किया तो पॉइंट आपसे मिस होगा, बाय द वे कुछ भी नहीं होगा। तो फोकस यही करना कि पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना, और चैनल पे नए हो हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मेरे भी मोटिवेशन को कई गुना आप यहां पे बढ़ा सकते हो। और आपका क्या ओपिनियन होगा कमेंट बॉक्स में जाना, और मुझे आप एक प्यारा सा मैसेज जरूर अपना करना कि आपका क्या ओपिनियन यहां पे BTC को लेके हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत से ऐसे अपडेट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर मार्केट की रिकॉर्डिंग। तो वीडियो को चलिए यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं BTC के चार्ट को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फुल्ली डिजाइन करके रख लिया हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने बात करी तो BTC काफी टाइम से डाउन ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू चलता हुआ नजर आ रहा है, और काफी टाइम से यहाँ पे BTC का माहौल भी बहुत खराब है, जिसके वजह से ऑलमोस्ट लोगों का जो पोर्टफोलियो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे माइनस हो चुका है। अगर ऑल टाइम लो की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% का BTC के अंदर करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, यानी कि दोस्तों 100% में से 70% पैसा है, यानी कि मार्केट पूरा 70% तक का यहाँ पे हमें क्रेश नजर आ रहा पूरी पिछले एक साल से यहाँ पे मार्केट। क्योंकि एक एक चार्ट को यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या पॉइंट मुझे कहाँ पे लगता है कि मार्केट क्या क्या मोमेंट यहाँ पे बना सकता है। तो देख दोस्तों, सबसे पहले तो ये पॉइंट को हम यहाँ पे नोट आउट करेंगे, जूने चार्ट के ऊपर हम जरा सा बात करते हैं, जहाँ पे BTC कुछ इस ट्रेंड के अंदर यहाँ पे वर्कआउट काफी टाइम से यहाँ पे कर रहा था, और यहाँ पे हम और आप बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि मार्केट अगर हाई बनाया तो एक सपोर्ट कुछ इस पॉइंट पे बनाएगा और यहाँ से अगेन एक रैली की तरफ जाएगा, बट ऐसा कुछ यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ से मार्केट जब से यहाँ पे गिरा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट डाउन टू डाउन कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। तो अभी BTC भाई साहब से हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं कि मार्केट का सिनेरियो क्या बन सकता है। अगर हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड की बात करें तो आप देख सकते हो बहुत लंबा डाउन ट्रेंड ये आपके सामने यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये ऑलरेडी बन भी चुका है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो को लेना और आप इसको कैलकुलेट करना, ऑलमोस्ट 43% का डंप, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से बहुत प्यारा सा रिजेक्शन दिया कि हम और आपको एक अच्छा खासा लॉस लग सके। तो यहाँ पे मार्केट ने जो यहाँ पे रिजेक्शन दिया, उस रिजेक्शन के बाद आप फिर से देखो मार्केट ऑलमोस्ट 55% तक के आसपास का यहाँ पे 55-60% तक का डंप गेन किया वापस। कुछ इसी सिनेरियो के अंदर वीकेंड चार्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हफ्ते के चार्ट के ऊपर, ना ही कि यहाँ पे दिन का कोई चार्ट चल रहा है, सेम यही सिनेरियो कुछ ये पॉइंट पे यहाँ पे बैठने वाला है। ओके, ये सेम पॉइंट है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1-2-3 हफ्ते तक का पूरा मार्केट का सेम सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट के अंदर अगले महीने भी हमें कुछ खास मोमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 वीक का 1 कैंडल है, और यहाँ पे 1-2-3-4 ऑलमोस्ट 4 कैंडल यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि इस ट्रेंड को अगर ब्रेकआउट करना है तो सिस्टम इसको 4 कैंडल बनाने होंगे अगर ये साइडवेज मोड पे रहता है, और अगर इस तरीके से ब्रेकआउट करता है तो 2 कैंडल में आपको यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा।
अभी हम सिनेरियो ओनली फ्रॉम द सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या मार्केट यहाँ पे सिचुएशन कर सकता है और कितना बड़ा डंप हो सकता है अगर वो पॉइंट्स को यहाँ पे बीटीसी ने स्टेबल नहीं किया तो। अभी हम इसको जरा सा नहीं, इसको मैं भी क्लोज नहीं करूंगा, सबसे पहले यहाँ से एक सिनेरियो बना लेते हैं वापस कि अगर मार्केट कुछ यहाँ से करेक्शन लेता है तो मेरे हिसाब से ये आपका ऑलमोस्ट गिरी हुई हालत में 50% हम यहाँ पे ऑलमोस्ट मान के चलते हैं। रीजन क्यों 50% यहाँ से मानते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि पिछले बार रिजेक्शन था। ये देखिए दो बार तीन बार चौथी बार जाके यहाँ से इसने ऊपर किया, यानी कि ये रिजेक्शन इसको चार टाइम मिला था तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये यहाँ पे बीटीसी के लिए फिलहाल यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है जो पॉइंट है यहाँ पे $11,500 का। अभी आप लोग सोचते रहोगे क्या इतना भी जा सकता है मार्केट, तो क्या आप खुद से गेस्ट करिए क्या आपने यहाँ पे सोचा था, इस पॉइंट पे सोचा था मार्केट इतना आएगा, इस पॉइंट पे आपने सोचा था मार्केट इतना नीचे आ जाएगा लेकिन आया। तो ये दोस्तों मार्केट ही कुछ ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप $11,500 का वीकेंड चार्ट के अंदर लेके चलना कि अगर मार्केट $19,400 के नीचे अगर क्लोजिंग बना लेता है, $19,400 के नीचे एक या दो हफ्ते के बीच में कभी भी क्लोजिंग बनाता है तो मार्केट आपको $11,000 के आसपास जाता हुआ बहुत ही आसानी से नजर आएगा। ओके, ये पॉइंट सबसे पहले आप अपने पास नोट आउट करके रख लीजिए। सेकेंड, दूसरा सिनेरियो क्या होगा जहां से वापस से कुछ मार्केट अगेन हमें उठता हुआ नजर आए, तो उस केसेस में होगा क्या यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट के अंदर साइडवेज मूव करेगा मार्केट, बार बार रिजेक्शन करने की कोशिश करेगा और जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल ये पॉइंट के ऊपर एक कैंडल जैसे ही अपना ग्रीन करता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आना यहाँ पे बीटीसी में स्टार्ट होगा जो कि वो सीनेरियो कुछ इस तरीके से अपर ट्रेंड आपका यहाँ पे चलना चालू हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट वो आप नोट आउट करना कि अपर ट्रेंड अगर चलेगा तो कुछ इस वीकेंड चार्ट के अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलने वाला है, लेकिन अगर $19,400 को यहाँ पे डाउन में क्लोज आउट कर दिया वीकेंड तो यहाँ पे बीटीसी के अंदर बहुत बड़ा करेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा लगभग 11,500 जो कि पिछला मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया जो कि बार बार रिजेक्शन ले रहा था और यही चीज सपोर्ट था। ये तो फिलहाल हमने चार्ट के माध्यम से समझा कि चार्ट में क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें RSI को समझना है कि RSI से क्या क्या यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने RSI को ओपन कर दिया, ये भी वीकेंड चार्ट के अंदर है जो कि ये पॉइंट वो आप नोट आउट करना है, ये 60 के ऊपर मार्केट है तो बुलिश मार्केट है, 40 के नीचे मार्केट है तो बेरिश मार्केट है। ये RSI का एक छोटा सा फंडा है ट्रेड करने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट लोग RSI के ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे RSI में सेम रिजेक्शन पॉइंट है, रिजेक्शन पॉइंट है, ये भी ऑलमोस्ट रिजेक्शन पॉइंट है और यहाँ से मार्केट नहीं जा पाया, लेकिन RSI चल कितना रहा ये वीकेंड में 33, यानी कि ये फिलहाल बेरिश मार्केट है पूरी तरीके से। सपोर्ट एक बार बनाया मार्केट ने, सपोर्ट यहाँ पे दो बार बनाया, यहाँ पे भी एक बार बनाया। अगर यहाँ से मार्केट कुछ ये सिनेरियो अगर ऐसे से पकड़ के यहाँ से ऊपर हो जाता है तब तो बेटर है, 40 के ऊपर आ गया तो बुलिश आपका यहाँ पे स्टार्टअप चालू हो जाएगा, लेकिन अगर ये सिनेरियो नहीं बन पाता और अगेन मार्केट यहाँ से इस पॉइंट को अगर इसको टच करने के लिए आता है, जो एरिया आता है दोस्तों बहुत ही बेकार एरिया है, 20 रिजेक्शन यानी कि RSI 20 अगर यहाँ पे आ जाता है तो आप पिछले दो टाइम में यहाँ पे देख सकते हो अभी तक मार्केट 20 नहीं आया हुआ है, यानी कि फाइनली 29 तक मार्केट गया हुआ है, उसके बाद 33 तक मार्केट गया हुआ है, लेकिन इस बार 25 भी आया है और तो इस बार अगर 20 आता है तो 20 का मतलब आप यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे गेस्ट करिए कि अगर 20 आ जाता है तो ये मार्केट सीधा आपका $11,000 इजिली जाता हुआ हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना और इस वीडियो को यहीं पे करेंगे क्लोज और मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।